हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल और शादियों वाली गोभी की सब्जी, वो भी बिना टमाटर की। बहुत ही चटपटी, चटाकेदार और बहुत ही आसान तरीका से आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की गोभी लिया और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया। डंठल की पोर्शन जो है बहुत ही कम रखा है, आप देख सकते हैं। और साथ में मुझे आलू गोभी बनाना है तो दो आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अभी हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और आलू और गोभी को हम इसमें डाल देंगे। डाल के हम एकदम धीमी आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। जब तक गोभी हमारा फ्राई होगा तब तक हम मसाले को तैयार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना टमाटर का ये गोभी की सब्जी बनेगी, वो भी एकदम हलवा स्टाइल। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है। कलर के लिए मैंने 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया की पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाले पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मसाले जो है हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसमें। गोभी भी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े फ्राई हो चुका है। इस तरह से गोभी को हम फ्राई करेंगे तो क्या होगा, गोभी से एक अच्छी खुशबू आती है जिसके कारण सब्जी जो है हमारा ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो अभी गोभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई की नीचे की हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि गोभी जो है हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो सेम कढ़ाई में ही बाकी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको वॉश करके यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें फिर से 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरी मिर्च इसमें डालेंगे। सब्जी में हरी मिर्च की टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीकी से चॉप करके इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को चॉप करके ही डालें तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, अभी तक हमने गैस को बंद करके ही रखा है और अभी हमने जो मसाले को तैयार किया था उसको हमने इसमें डाल दिया है। ध्यान रखें, दही डालते टाइम अगर आपने मसाले को ठंडा करके नहीं डाला तो दही जो है फट जाता है, इससे क्या होगा सब्जी की टेस्ट एकदम से बेकार हो जाएगा। तो मैं ये हमेशा फॉलो करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया, अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है। दही मिलाने के बाद सारी चीज़ को अच्छे से मिला लिया। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, लगभग 1 कप के जैसे मैंने पानी डाल दिया। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम फूलगोभी और आलू को इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें, यकीन मानिए आपकी फ्रेंड्स और फैमिली को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर अगर न्यू विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी इसको कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर कुक कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं गोभी में बहुत ही अच्छा बढ़िया सा एक कलर भी आ गया है और गोभी जो है हमारा बनके एकदम से तैयार हो चुका है। अब इसको आप गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ या तो पराठे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आया। अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।